लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान से एक दिन पूर्व ग्वालियर जिले के कलेक्टर एवं एसपी की निगरानी में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कई लोगों को मतदान किट वितरित करते हुए सफल और शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि मतदान सामग्री वितरण की व्यवस्था 200 में की गई है। फर्स्ट हाफ में उन लोगों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है जिनकी बसें दूर विधानसभा क्षेत्र डबरा पितरवार ग्रामीण क्षेत्रों में जानी है, उनकी बसें भी तेजी से निकल रही हैं। सेकेंड हाफ में उन लोगों को वितरण किया जाएगा जो शहरी और नजदीकी क्षेत्र हैं। ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, इनको भी वितरण शुरू हो चुका था। कलेक्टर ने बताया कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं एवं बुजुर्गों को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए विशेष तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, साथ ही मतदान केंद्रों पर तैनात स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग एवं बुजुर्गों को इंतजार न करना पड़े, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर रखें। उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 ऐसे खास आदर्श मतदान केंद्र हैं जहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ परिपूर्ण हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं वितरण केंद्र पर मौजूद ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि तकरीबन 7,000 के लगभग पुलिस बल के बीच मतदान पूरी सुरक्षात्मक रूप से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर पूर्ण हो उसके लिए 1662 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए बीएसएफ की टुकड़ियों की भी तैनात रहेंगी। इस दौरान पूरे जिले में तकरीबन 200 मोबाइल भी घूम घूमकर अपनी तैनाती दर्ज कराएंगी ताकि कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में हम ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करवाएंगे, जहाँ पर घनी बस्तियाँ और आबादी हैं वहाँ मतदान केंद्रों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। मीडिया के साथियों के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही व्यापक तैयारी है फील्ड में, तैयारी है मैदान केंद्र के जस्ट बाहर और तैयारी है मैदान केंद्र के अंदर। तैयारी है मैदान दलों को अच्छी तरीके से ट्रीट करने की, अच्छी तरीके से भेजने की, अच्छी तरीके से वापस करने की। बहुत अच्छी तैयारी है उनके सामग्री वितरण की, सामग्री वापसी की। 1662 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों में से जो चिन्हित मतदान केंद्र हैं जहाँ लगता है कि विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए वो करेंगे, चाहे उनके बाहर की पेट्रोलिंग हो, 125 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हो या 123 सेक्टर ऑफिसर्स हों, 123 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हों, ये सारी टीम के माध्यम से बहुत सशक्त व्यवस्था की गई है। हम आप मीडिया साथियों से अनुरोध करेंगे कि ये बात हर आम वोटर तक पहुँचाइए कि निश्चिंत होकर के वोट करें, इस बार ग्वालियर वोट करेगा 100%। देखिए ग्वालियर जैसे शहर में महिला जो वर्क फोर्स है वो है भी ज़्यादा, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं की ड्यूटी लगती हैं। उसमें दो किस्म के मतदान केंद्र हैं, एक जो ऑल व्यूमेन है इसमें पूरी महिला हैं चारों, और एक जिसमें कम से कम दो महिला हैं। ओके, इसलिए महिलाओं की उपस्थिति, बड़ा उत्साह है उनमें, वो मालूम है अल्टीमेटली समाज की व्यवस्था अगर अच्छी होनी है, सुदृढ़ होनी है तो सबका साथ होना होता है। ओके, सो एक उन्होंने दीप जलाए दीपावली के दिन और एक दीप जलाना है उप प्रजातंत्र के महापर्व के दिन 17 तारीख को अच्छे से मतदान कराना। देखिए कुल मिलाकर के तीन किस्म के विशेष बूथ हैं। एक है आदर्श मतदान केंद्र जिसमें अलग से व्यवस्थाएं कुछ की गई है, बच्चों के लिए, बैठने के लिए, सहायता के लिए वगैरह वगैरह। एक है ऑल वीमेन को जिनका मैंने जिक्र किया था, और एक है दिव्यांग साथियों द्वारा मैनेज बूथ। कुल मिलाकर के 100 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरी मिलाकर के बने हैं, और इन 100 में ये व्यवस्थाएँ की गई है। मसलन जैसे दिव्यांग द्वारा मैनेज है तो दिव्यांगों के लिए जो अलग से कुछ व्यवस्था चाहिए वो की है। महिलाओं के जो बूथ हैं उसमें कोशिश की गई है कि ऐसी जगहों मतदान केंद्र हो जहाँ सुरक्षा के लिए अपने को अलग से चिंता करने की जरूरत ना पड़े। करीबन जिले भर में 1662 मतदान केंद्र है, 276 बूथ और 275 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किए जिनको क्रिटिकल माना है, जिसमें बीएसएफ की कंपनीज रहेगी। हमको बीएसएफ की 16 कंपनी करीबन मिली है, 2000 के करीबन का बल रहेगा, और ये भी लगातार साथ में क्रिटिकल के अलावा जो भी डोमिनेशन वाला इलाका है उसको देखेगा। इसके अलावा हम लोगों के अन्य जितने मतदान केंद्र हैं उनको सबको सेक्टर से डिवाइड किया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में सेक्टर पुलिस मोबाइल करीबन 123 लगाई हैं जिनमें लगातार बल रहेगा। इसके अलावा QRT करीबन 38 लगाई हैं और हमारे सुपरवाइजर अधिकारी 40 के करीबन उनकी मोबाइलें लगातार चलेंगी। बाहर से हमको दूसरे SP रैंक के अफसर भी मिले हैं
और DSPs भी कुछ मिले हैं, उनको भी जो हम लोग को लग रहा है कि जहाँ ज़्यादा संवेदनशीलता है वहाँ पर रखेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर 10 मिनट किसी भी जगह से कोई भी सूचना है तो 10 मिनट के अंदर ही मिनिमम मैक्सिमम टाइम उसका 10 मिनट रहे, उसके पहले उसको रिस्पांस मिल जाए। इसके लिए हमने जहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम नेट वगैरह की है वहाँ पर गाड़ियों में भी स्टैटिक सेट लगाए हुए हैं, उनका लगातार आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम्युनिकेशन प्लान और सारी चीज़ों से ये सारी व्यवस्थाएँ अच्छी चलेंगी। और इसमें जो पहले करना था हमको, जो बदमाश हमने छांटे थे सामाजिक तत्व जिनसे विघ्न होता है, उन पर हमारी जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी 100 से ज़्यादा हुई हैं और 15 के आसपास NSA भी हुए हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ करके मुझे पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण निर्भीक तौर पर मतदान अच्छी संख्या में ग्वालियर के लोग करेंगे और इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कुछ राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि सुरक्षा के इंतजामों को मजबूती दी जाए, BJP और कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं, BSP ऐसी पार्टियाँ और पुलिस का सहयोग रहेगा इस वो जो स्टैंडर्ड हमारा प्रोटोकॉल है सुरक्षा का, इसके चुनाव आयोग के निर्देशन है और उनकी एक फॉर्मूला बना है, उसके आधार पर ही हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग ही हम लोग के निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लोग जो बताते हैं उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उनको किसी जगह पर बात होती है तो उसको तत्काल अटेंड किया जाएगा।